हाय फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गोभी का बिल्कुल नया तरह का डिश बना के दिखाऊंगी, जो जिसे हमें बेक करना होता है। जनरली लोग गोभी मुसल्लम बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे ट्विस्ट करके इसे डिफरेंट स्टाइल में हरा चटनी के साथ बनाया है। तो आप मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं फिर आपको टिप्स दूंगी कि आप इसे क्या क्या वेरिएशंस के साथ और बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी रेसिपी से। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कर देना। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का अपना ये रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक गहरा बर्तन लेना है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी बॉयल करना है। और एक साबुत या मैंने ये गोभी लिया है, इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया है, बस नीचे से आपको ये कट करना है। और इसको बॉयल वाटर में सबसे पहले मैं 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट डालने के बाद ये पूरा गोभी मैं इसमें बॉयल वाटर में डालूँगी, और इसे इतना बॉयल करना है जिससे ये पूरा गले नहीं, थोड़ा सा ये कच्चा रह जाएगा, उतना तक हमें बॉयल करना है। जब तक हमारा गोभी बॉयल हो रहा है, तब तक हमें एक ग्रीन चटनी पीसना है। तो ग्रीन चटनी पीसने के लिए ये मैंने 1 कप धनिया पत्ती लिया है, फ्रेश कोरिएंडर लिया है, ये मैंने कोकोनट, फ्रेश कोकोनट लिया है, ये भी आप अंदाज से 2 टुकड़ा ले लें। ये 2 मैंने हरी मिर्च लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने जिंजर लिया है, ये अंदाज से आप 2 इंच का टुकड़ा ले लें। 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। और ये मैंने ब्राउन शुगर लिया है, आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मीठा बनेगा, तो मैं 2 टीस्पून इसमें शुगर डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करूँगी, तो ग्राइंड करके मैं आपको इसको दिखाती हूँ। अब ये गोभी को मुझे चेक करना है कि ये गोभी मेरा गला है कि नहीं, तो इसके स्टेम में आप एक फोर्क डालेंगे, अगर ये आसानी से घुस रहा है तो इसका मतलब ये हो गया है, लेकिन इसको ओवर कुक नहीं करना है। इसको निकाल के मैं एक जाली पे रख रही हूँ। जिससे इसका पानी सारा निकल जाएगा। अब ये चटनी मैंने पीस लिया है, इसमें मैं 1 लेमन स्क्वीज करके डाल रही हूँ। ये चटनी में जो मैंने लेमन और नमक डाला है, तो आप अपने हिसाब से इसको डालने से पहले टेस्ट कर लेना, क्योंकि आप गोभी में जब इसको फिल करोगे तो नमक थोड़ा तीखा होना चाहिए, ये गोभी के अंदर हमें फिल करना है, तो आप डालने से पहले इसे टेस्ट कर लेना। अब मैं आपको टोमेटो प्यूरी ग्रेवी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने एक पैन गर्म कर लिया है, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। और ये मैंने 4 टोमेटो का प्यूरी बना लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसमें गांठ ना पड़े। बटर जैसे ही गर्म हो जाएगा तो ये ग्रेवी मुझे इसमें डालना है। वन टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। ये ग्रेवी भी थोड़ा सा मीठा बनेगा, तो इसमें थोड़ा सा शुगर भी डलेगा और थोड़ा टोमेटो सॉस भी डलेगा। ये मैंने ब्राउन शुगर लिया है, आप चाहे तो वाइट शुगर ले सकते हैं, तो 1 टीस्पून मैं इसमें ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। और ये मैंने टोमेटो सॉस लिया है, ये 2 टेबल स्पून इसमें टोमेटो सॉस आएगा। एक बार ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो ये मेरा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपको तैयार करना कभी कभी मुश्किल लगता है, तो आपको झटपट बनाने के लिए आप टोमेटो प्यूरी डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं, क्योंकि चटनी तो आपके घर में होता ही है, गोभी होता ही है, और टोमेटो प्यूरी लिया और झट से ये 5 मिनट में ये सब्जी आपका बन के तैयार हो जाएगा। जब तक मेरा ये बॉयल हो रहा है, तब तक मैंने एक बेकिंग डिश को इसको बटर से ऑयलिंग कर लिया है। अब ये जो साबुत गोभी है, इसको डंठल को नीचे करके इसको पलट के इसमें रखना है, और इसके बीच बीच में मुझे चटनी लगाना है।
तो थोड़ा सा इसको मैं स्प्रेड कर दूंगी बीच बीच से। कोई आप नाइफ से या कुछ से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दे बीच में, जिससे कि हमारा थोड़ा सा ये फैल जाएगा और इसके अंदर चटनी का फिलिंग आ जाएगा। आप इसको ऐसे करना कि ये टूटे ना। तो थोड़ा आप हाथ से कर करके इसके अंदर चटनी डाल दें। और ऊपर से भी आप थोड़ा सा चटनी इसमें डाल दें। एक कप ये मैंने बॉयल मटर लिया है, इसे नमक चीनी डाल के मैंने इसे बॉयल कर लिया है, तो आप ये भी इसमें चारों तरफ इसमें स्प्रिंकल करके डाल दें। अब ये हमारा सॉस बन के तैयार हो गया है। आप इसका थिकनेस देख लेना कि ये थोड़ा सा थिक लगे खाने में, उतना ही आपको बनाना है। तो अब मैं गर्मा गर्म ये गोभी के ऊपर सारा ग्रेवी इस पे डालूंगी, तो आप बड़े ध्यान से देखना। और इसके बाद मैं इसे बेक करने के लिए, जब जब खाने का टाइम होगा तब उसी समय इसको खाने के लिए मैं बेक करने लगा दूंगी। अब आप इसका स्टेप मैं बता देती हूँ। गोभी को मैंने बॉईल किया नमक के पानी में, ग्रीन चटनी मैंने आपको बताया कि नारियल डाल के आपको इसको पीसना है, और इसका स्टेप मैंने बता दिया, और ये टोमेटो का ग्रेवी मैंने बता दिया। एक एक करके स्टेप आपको फिर पहले सबसे पहले चटनी सबके बीच में लगाना है और टोमेटो ग्रेवी से इसको फिल कर देना है। अब ये मैंने चीज़ क्यूब लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो जब आप बेक करेंगे उससे मैं चीज़ पहले से डाल दे रही हूँ। बेक करने समय ये थोड़ा सा चीज़ इसमें डलेगा तो इसका और अच्छा टेस्ट आ जाएगा, और आप इसे नान पराठा रोटी किसी के साथ भी खाएंगे तो ये बड़ा टेस्टी लगेगा। और आपको इसका वेरिएशंस में आप इसको पूरा, जो आप टोमेटो का ग्रेवी बनाते हैं जिसमें धनिया पाउडर हल्दी, आप इसको वैसे भी फिलिंग कर सकते हैं चटनी की जगह। तो ये डिफरेंट स्टाइल का बना, और वो आप वेरिएशंस में उसको अपने स्टाइल से टोमेटो का ग्रेवी बना के भी उसको वैसे बना सकते हैं। अब इसे मैं 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए बेक कर रही हूँ। तो इसको प्री हीट करना है ओवन को, जब भी आप डालें तो थोड़ा प्री हीट कर लें। अब 10 मिनट्स के बाद मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। अब ये गोभी मैंने बेक करके निकाल दिया है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा मटर गार्निश के लिए डाल दिया है, और ये मैंने आलू का लच्छा बनाया फ्राई करके, ये डालने से इसका गार्निश बड़ा अच्छा होता है। तो ये ऑप्शनल है, आप इसे डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर अपना डिश टेम्पटिंग बनाना है तो आप एक दो इंग्रेडिएंट ऐसा डालेंगे जो आपको और लोगों से अलग करता है। तो इस तरह से मेरा ये डिश बन के तैयार है, और आप इसे इसका लुत्फ़ उठाएं और मुझे भी बना के बताएं कि आपको ये डिश मेरा कैसा लगा, और मुझे फीडबैक में ज़रूर लिख के बताना कि आपको ये कितना अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।